हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपके साथ एक सरप्राइज शेयर करने जा रहा हूँ जो दीपिका ने मेरे लिए प्रिपेयर किया है, एंड उसने काफ़ी फ़ायदा उठाया है ये लॉकडाउन का। सो लेट्स गो स्ट्रेट टू द सरप्राइज। ये वो बॉक्स है जो दीपिका ने मुझे आज सुबह सुबह दिया है और ये बॉक्स कुछ ऐसा दिखता है, और इसके अंदर ये डायरी है जो उसने मेरे लिए प्रिपेयर किया है। सो काफ़ी सुंदर से उसने ये डेकोरेट किया है। ये बॉक्स है एंड ये डायरी है जिसमें लिखा हुआ है आर मेमोरीज। फर्स्ट पेज लिखा हुआ है दूल्हे राजा और दुल्हनिया। आई थिंक ये कुछ हमारी मेरे शादी से या फिर कुछ हनीमून से रिलेटेड होने वाला है। सी एज आई गेस, तो दिस डायरी इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट आर हनीमून। Oh my God, बोर्डिंग पास है ये। ये है आपका बैंकॉक का बोर्डिंग पास, ये है आपका कोलकाता तक का बोर्डिंग पास। वाओ, ये पेज ब्लैंक है। इसमें मैं एयरपोर्ट की पिक्चर्स डालने वाली हूँ। ओके, तो उसका प्रिंट आउट नहीं आया अभी तक, इसलिए। ओके, कमिंग टू दी थर्ड पेज। ओके, ये वो होटल का बिल है जहाँ पर हम रुके थे क्राबी में, दीवाना प्लाजा। काफ़ी ब्यूटीफुल होटल था एंड सीरियसली सब मेमोरीज रिफ्रेश हो रही है। ओके, ये क्राबी का फ़ोटो था। एज फार एज आई रिमेंबर, आई स्टिल रिमेंबर क्राबी में हम लोग नाइट शॉपिंग के लिए निकले थे। ये भी क्राबी का फ़ोटो है, ये क्राबी का नाइट मार्केट का फ़ोटो है जो हम लोग ने साथ में क्लिक किया था, और वहाँ पर हर सैटरडे एक नाइट मार्केट लगता था जिसमें काफ़ी सारे आइटम्स, बहुत चीप आइटम्स मिलती थी, एंड दिस इज दैट पिक्चर। ओके, व्हाट इज दिस? ओके, ये हम लोग ने बाइक रेंट किया था, ये उसका रिसीप्ट है। थाईलैंड में घूमने के लिए आप जनरली बाइक हायर कर सकते हो जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है। वाओ, ओके, ये है। अच्छा, ये अपना फिफी आइलैंड का टूर पैकेज जो हम लोग ने लिया था उसका आइटिनरी है, दी एंटायर आइटिनरी, जो सुबह 6 o'clock से स्टार्ट होके शाम को 8 बजे तक का आइटिनरी पूरा इसमें लिखा हुआ है। दिस वॉज एन ऑसम ट्रिप। इसमें हम लोग को 15 to 16 आइलैंड उन्होंने घुमाई थी, और ये उसका आइटिनरी है। आई जस्ट डोंट बिलीव ये पेपर्स अभी भी हमारे पास है। मेरे पास है। तुम्हारे पास है। ओके, फाइन। ओके, ये माया बे का फोटो है। ओके, माया बे हम लोग को बीच तक जाने की अनुमति नहीं थी क्योंकि उस समय वो बीच का रिस्टोरेशन हो रहा था, तो ये माया बे के सबसे क्लोज जहाँ तक हम जा सकते थे वहाँ तक का पिक्चर है ये। ये चिकन आइलैंड है। चिकन आइलैंड भी एक टूर का ही पार्ट था, वो 16 आइलैंड्स के टूर का ही एक पार्ट था। सो अगर आप देख सकते हो पीछे का माउंटेन, ये चिकन की तरह दिखता है, इसलिए इस आइलैंड का नाम चिकन आइलैंड है। ओके, नाउ दिस इज फोर्ड आइलैंड। ये भी वन ऑफ द आइलैंड्स था, बहुत ब्यूटीफुल फर्स्ट आइलैंड जहाँ हम लोग ने विजिट किया था, और बहुत सुंदर आइलैंड था। वाओ, दीज आर एक्चुअली रिफ्रेशिंग मेमोरीज बैक। ये भी पटाखा, ये भी पोढ़ा आइलैंड का ही एक पिक्चर है जो मैंने क्लिक किया था दीपिका का। ये कौन सा आइलैंड था? ये कोई दूसरा आइलैंड है, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन ये भी बहुत एक ब्यूटीफुल आइलैंड था, और दीपिका ने सिर्फ अपना अपना पिक्चर्स लगाया है, इंडिविजुअल पिक्चर्स। मॉन्की नहीं, ये मॉन्की आइलैंड नहीं था, ये कोई और दूसरा आइलैंड था, पर ये भी बहुत सुंदर आइलैंड था। दिस इज मॉन्की आइलैंड राइट।
ये मॉन्की आइलैंड था जहाँ पर बहुत सारे मॉन्कीज थे और यहाँ का सैंड बहुत अच्छा था, एकदम वाइट सैंड था। ये क्राबी का हमारा लास्ट नाइट था, थोड़ा चिल आउट कर रहे थे, लाइव म्यूजिक सुन रहे थे और बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट था। सो ये क्राबी तक का था एंड देन ये हम कायाकिंग के लिए गए थे। कायाकिंग भी हमारा ट्रिप का एक पार्ट था क्राबी में ही। हम लोग ने क्राबी में दो दिन स्टे किया था, एक दिन हम लोग ने ये आइलैंड्स विजिट किया था और दूसरा दिन हम लोग ने कायाकिंग और काफ़ी सारे अदर एक्टिविटीज़ जो थे वो की थी। सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ कायाकिंग और इसमें मैंने अपना रेबैन का गॉगल्स भी खोया था। ओके, ये भी एक आइलैंड था। हमने काफ़ी आइलैंड्स की ट्रिप की थी। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ दी आइलैंड जो कि एक दूसरा आइलैंड है और जो यहाँ पर हम लोग ने पिक्चर्स क्लिक कराए थे। हाँ, ये हॉट स्टीम है। ये भी आपका क्राबी के आसपास ही है आइलैंड में एंड ये भी बहुत ब्यूटीफुल जगह थी। यहाँ से यहाँ पर हॉट स्प्रिंग इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर अंडरग्राउंड हॉट वाटर है जिस पे आप बाथ ले सकते हो। सो दिस वाज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एज वेल विच यू कैन श्योरली विजिट व्हेन यू गो टू क्राबी। ये एक पूल था, ये भी क्राबी में था, इमर्ज पूल। बहुत बड़ा नेचुरल पूल था ये एंड काफ़ी भीड़ भी थी और एक बहुत अच्छा टूरिस्ट अट्रैक्शन था ये। ये भी आई थिंक इमर्ज पूल का ही है। ओके, नाउ हम लोग ने एक क्रूज ट्रिप प्लान किया था वहाँ से। क्राबी के बाद हम गए थे, कहाँ गए थे हम क्राबी के बाद? फुकेट गए थे। फुकेट से हमने ये क्रूज बोर्ड किया था जो हमें मलेशिया लेके गई और फिर मलेशिया से वापस लेके आई, जो कि बहुत अमेजिंग ट्रिप था। 3 nights 4 days का ट्रिप था एंड दिस इज़ दी आई थिंक दिस इज़ द इनवॉइस विच वी हैड गॉट एंड दीज आर द कार्ड्स ऑफ स्टार जेमिनी, द रूम कीज एज वेल एंड दी कार्ड्स फॉर फ्री लंच एंड सो। ये क्रूज़ का एक बहुत बड़ा स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पर सब चीज़ फ्री है, वंस यू एंड ऑल अपार्ट फ्रॉम ड्रिंक्स ऑल द फूड्स एवरीथिंग इज़ फ्री 4 days 5 nights के लिए। एंड ये ट्रिप काफ़ी सस्ता था। आई थिंक बोथ ऑफ अस फॉर अ बालकनी रूम वी हैड पेड 50,000 rupees फॉर 3 days 4 nights। ये क्रूज का पिक्चर्स है जो हम लोग ने क्रूज में क्लिक की थी। राइट, सो ये सब कुछ क्रूज के पिक्चर्स हैं। आप देखिए काफ़ी ब्यूटीफुल थी, काफ़ी सीटिंग अरेंजमेंट्स थी। ये रूफ टॉप था क्रूज का। क्रूज हम लोग का 7-floored क्रूज था एक्चुअली, जिसमें फर्स्ट 2-3 floors वॉज जस्ट फॉर दी क्रूज पीपल एंड 4th and 5th floor जहाँ पर हमारे रूम्स थे, 6th और 7th floor में रेस्टोरेंट्स थे एंड दिस इज़ द टॉप फ्लोर जहाँ पर आपका 2 swimming pool बार्स रेस्टोरेंट्स काफ़ी सारा चीज़ था। दिस इज़ वन ऑफ दी रेस्टोरेंट्स जो रूफ टॉप रेस्टोरेंट था पूल में। ये क्रूज का इंटरनल वन ऑफ दी बैंक्वेट हॉल्स टाइप था। दिस इज रूफ टॉप अगेन जहाँ पर हम लोग बैठ के चिल मार रहे हैं। ओके, ये भी क्रूज का ही एक पार्ट था। ये क्रूज का बैक साइड पार्ट है अगर आप देख सकते हैं पीछे। सो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह थी जहाँ से आप एक्चुअली देख सक रहे थे कि पूरा ओशन आप देख सकते हो, नो लैंडमार्क नथिंग एंड ये भी क्रूज का एक पार्ट है। वाओ, आई एम सीरियसली इंप्रेस्ड है। ओके, दिस इज़ वेर वी गॉट डाउन इन मलेशिया। मलेशिया क्रूज जनरली 4 to 5 hours के लिए रुकती है जहाँ पर आप मलेशिया के एक्सटर्नल्स में जा सकते हो और ये उसका टिकट है। ओ माई गॉड, सो दिस टिकट इज स्टिल देयर एंड दिस इज द मैजिक शो विच वी अटेंडेड। ओके, दिस इज पेनिंग मलेशिया अगेन। वन ऑफ द एक्टिविटीज जो हम लोग ने किया था वो अपसाइड डाउन था। आई थिंक वो आगे आएगा पिक्चर्स में, जो कि बहुत सुंदर उसका पिक्स आया है। हाँ, दिस इज द वन आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज अपसाइड डाउन। ये श्योरली आपको विजिट करना चाहिए अगर आप पेनिंग जाते हैं ये ट्रिप में, क्रूज में, तो फॉर श्योर अपसाइड डाउन जाइए। देन वी वेंट टू पेनिंग हिल। पेनिंग हिल इज अगेन पॉपुलर डेस्टिनेशन इन पेनिंग जहाँ पर आप जाके, यहाँ पर काफ़ी सारे म्यूजियम्स थे और काफ़ी सारी नेचुरल ब्यूटी थी यहाँ पर। सो दिस इज़ वन प्लेस विच आई लव्ड अ लॉट।
आगे दिस इज़ अगेन मलेशिया, दिस इज़ द प्लेस रिक्लाइनिंग बुद्धा. यहाँ पर बुद्धा आपको ऐसे लेटे हुए मिलेंगे. Right, this is reclining Buddha. This is the place which I am talking about, reclining Buddha. A very good place, and I think a must visit place whenever you go to Penang. Oh my god, I am impressed. Yaar, itna sara photos. Fabulous. Now this is again cruise ka pictures. Ye hum log ne cruise mein thode bahut pictures liye the. Some of them. ये भी आपका क्रूज का ही पिक्चर है. ये आई थिंक वन मोर दूसरा एक और रेस्टोरेंट, रूफ टॉप रेस्टोरेंट. इधर ये साइड में अगर आप देखेंगे तो ये क्या था, जकूजी. जकूजी था ऑन टॉप. दो तीन जकूजी ऐसे थे जो आप एनी टाइम यूज़ कर सकते हो. सो बहुत ब्यूटीफुल था क्रूज. इस क्रूज का नाम है स्टार क्रूज जर्मनी. ओके, देन वी लैंडेड इन फुकेट. फुकेट में हम लोग ने ऑब्वियसली पटांग बीच हम गए. ठीक है, ये हमारा होटल था फुकेट का. नाम नाम याद नहीं, पर बहुत ब्यूटीफुल होटल था. आई विल राइट ऑल द नेम्स ऑफ द होटल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. प्लेसेस का भी नाम हम लोग लिख देंगे, आपको क्रूज़ का भी डिटेल्स दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ये क्रूज़ हुआ. नाउ कमिंग टू दिस अगेन, दिस इज़ अ प्लेस विच इज़ इन फुकेट. दिस इज़ ऑल्सो अ बुद्धा प्लेस. आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द प्लेस, पर यहाँ से सीनरिक ब्यूटी बहुत सुंदर थी. वी हायर्ड अ बाइक इन फुकेट अगेन, वी हायर्ड अ बाइक इन क्राबी अगेन. एंड इवन आई एडवाइस यू, व्हेनेवर यू गो टू क्राबी और फुकेट, यू कैन हायर अ बाइक. यू कैन गो टू प्लेसेस यू वांट, गो टू नाइट मार्केट्स, विजिट द मार्केट देयर, एंड इट्स वेरी ब्यूटिफुल. ओके, एंड देन राइट, इट्स कॉल्ड बिग बुद्धा फुकेट. सो दिस इज़ अ प्लेस वेर वी हैड गॉन देयर, एंड दिस इज़ ऑल्सो अ प्लेस इन बिग बुद्धा फुकेट. दिस इज अ प्लेस वेर यू कैन क्लिक फोटोज. यहाँ के लिए इसमें हम कुछ मैसेजेस लिख सकते हैं, एंड देन यू कैन जस्ट टाई दैट इन द ट्री विच इज बिसाइड दिस पर्टिकुलर प्लेस. ओके, आई थिंक दिस इज द लास्ट पेज, एंड इट्स सेइंग इट्स नॉट वेर यू गो, इट्स हु यू ट्रैवल विद. ट्रैवल ओपन्स योर हार्ट, ब्रॉडन्स योर माइंड, एंड फिल्स योर लाइफ विद स्टोरीज टू टेल. अगेन लेट्स ट्रैवल टुगेदर एंड मेक लॉट्स ऑफ मेमोरीज. Wow, I totally love this gift. This is a gift which is now very close to my heart, and I just can't believe ki 3 days mein usne ye pura ek diary mere liye prepare kiya hai, which is called Honeymoon Diaries. And thank you so much Deepika for this. And aap log bhi special one ko ye really gift kar sakte ho. It is very beautiful and it captures all your memories for. If you want to create it for anybody, you can do it very easily. Deepika ने ये material जहाँ से लिया है, जो भी लिया है, वो description box में वो आपको बता देगी. And these are something which you can get online. See you in the next video.